ये समय एक ऐसा है क्योंकि सुबह बेचारों को खेत में जाना है, जय हो जय हो, बड़ी मजबूरियां होती हैं। आइए ये कन्फ्यूज के भाई रे तेरे दो दो साली और एक भाई की शादी हो चुकी है। क्या बात है? एक मैरिड, एक मैरिड और एक अनमैरिड। तो वो कह रहा है कि भाई भाई रे तेरे दो दो सारी, एक ब्याही एक कुआरी, मेरा भी करा दे अब जुगाड़ तू। सुनिए लेकिन इधर भुआ राम कह रहे हैं क्या, ए लखनलाल बड़ी ये खौप ना कहे, सुपन खां आई पंचवटी पर और उसने कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूं। उसने एक बढ़िया बात कही कि तुम सम पुरुषन मौसम नारी, ये 50 रुपए हमारे भाई परम मित्र हैं खानू से, उनके कर कमलों द्वारा 50 रुपए का आशीर्वाद हुआ। हृदय से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। भगवान राम ने कहा कि मैं मान रहा हूं कि तुम सम मौसम पुरुषन तुम सम नारी, लेकिन हम तो विवाहित हैं, अगर आप चाहो तो हमारा भाई लक्ष्मण है वो कवारा है। है कुमार मोर लघु भ्राता, अगर आप चाहें तो हमारा भाई कवारा है, आप उसे बात कर लो। सुपन खां उसके पास गई और कहने लगी कि तुम्हारे भाई ने कह दिया शादी उससे कर लो। लक्ष्मण जी ने कहा कि शादी करके आप कुछ गहना भी पहनोगी? कि हाँ पहनूंगी। क्या क्या? कि कानों में कुंडल और नाक में बाली, नथनी, नथनी पहनने के लिए कहा। तब तक भगवान राम कहने लगे कहे भैया लखनलाल बड़ी ये खौप ना कहे। बड़ी ये खौप ना कहे, बड़ी ही खतरनाक है, लखन लाल इसकी सतरनाक है। सुनिए तीन बातें हैं, तीनों बातों को देखिए कितने अच्छे ढंग से कहा। बड़ी ये खौप ना कहे, बड़ी ही खतरनाक है, लखनलाल इसकी सतरनाक है। अरे नक्कू ज्यादा बनती तू बचा ले नाक है। ऐ सुपन खां जब भाई का आदेश मिल गया, उन्होंने इन तीन बातों में भगवान राम ने आदेश दिया था लक्ष्मण के लिए, बड़ी ये खौप नाक है और बड़ी ही खतरनाक है, लखनलाल इसकी सतरनाक है। लक्ष्मण जी समझ गए, समझ गए, क्योंकि समझदार के लिए इशारा काफी होता है। जब समझ गए
तो नक्कू ज्यादा बनती तू बचा ले नाक है, नाक वालियों ने तो बचाई नाक है। नाक वाली नारियों ने नाक बचाई है लेकिन उसने अपनी नाक नहीं बचाई। जय हो, जय हो। के नक्कू ज्यादा बनती तू बचा ले नाक है, नाक वालियों ने तो बचाई नाक है। के नाक पे कुर्बान होके रखी नाक है, नाक पे कुर्बान होके रखी नाक है, नाक खुद कटाएगी ये कुल की नाक है। नाक कटाएगी ये, अब सुनिए। नाक पे कुर्बान होके रखी नाक है, नाक खुद कटाएगी ये कुल की नाक है। ये घटना शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक ये घटना है। जय हो। ये घटना शर्मनाक है, बड़ी ही दर्दनाक है, लक्ष्मण ने डाली खतरनाक है। लक्ष्मण ने डाली खतरनाक है, लक्ष्मण ने डाली खतरनाक है, लक्ष्मण ने डाली खतरनाक है। परम आदरणीय एक और लाइन लाए। अरे रे मेरी जान है राधा, जान है राधा। आपने दिखाई बहुत सी बातें दिखाई नाती, रण भी सारी बात सुन, रण की सारी बात सुन, मन अपने में डोला, तपन मन में घूमत फिरी, कुंभ पन पन में घूमत फिरे, कुंभकर्ण यो बोला। क्या बोला? क्या बोला? कि समझे है तपसी दशरथ के लाल हैं, कि समझे तपसी दशरथ के लाल हैं, तो लाल लाल समझे कालों के काल हैं। तो लंकेश अब लंका पे कर्मों के जाल है, बढ़िया। कैसे बच्चा किसान अपना कोई ढाल है, अब कैसे बचेगी जान, तब कैसे बनेगी कर्म नाक है, कैसे प्राण बचेंगे मालूम है, समझाओ। बनेगी कर्म नाक है, अरे अब क्या ये धर्म नाक है। बहुत सुंदर। बनेगी ये कर्म नाक है, अरे अब क्या ये धर्म नाक है, कर गई तितर और बितर नाक है, कर गई तितर और बितर नाक है। ये आपने गाया, इधर से प्रयास तुम्हारी घरवाली या स्टेज वाली। आइए एक और कुछ गाया था लाला, उनमें माँ बापों ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, घरवाली ने सबरे बालक बिगाड़ते और घरवाली ने बालक बिगाड़ते, क्यों बिगाड़ते कि उनने माँ बाप घत्ते निकाल के भेजते। क्या ये हमारे स्वामी जी द्वारा ये बहुमूल आशीर्वाद हुआ है, हाथ खाते एक बंधन। जय। और ये हमारे सिकंदर राव श्याम गुरु की तरफ से आशीर्वाद है। देखिए बड़े भाई साहब, अब ये कहा कह रहे समझे ना, आदमी केवल माहौल बनाने के लिए करता क्या है मालूम है, कि कछना लाओ तो सबसे पहले माँ बाप ये ले आओ, जो ऐसो औलाद ने माँ बाप को नौकर दो, बाने नौकर दो। मुझे ये बताइए कि तुमने अपने माँ बाप को क्या किया है, जब तुमने सही रखा है अपने माँ बाप को तो हर कोई सही रखता है, और वो औलाद कोई कोई होती है, क्योंकि खुद अपने आप को ये देखना चाहिए कि हम क्या करते हैं, हमको भी तो कुछ देखना है, तभी तो बात आएगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा, जो सुधरेगा देखो ऐसे नहीं। हाजी पावन पवित्र है, पावन पवित्र है, कलयुग विचित्र है।
धरती पे पुण्य और पाप मिल जाएंगे, के धरती पे पुण्य और पाप मिल जाएंगे। बड़े बड़े साधु संत जीवन को करे हैं अंत, करते हुए माला का जाप मिल जाएंगे, के करते हुए माला का जाप मिल जाएंगे। दशरथ से पाप जरा बन के तू देख ले, कि तू देख ले तो राम जैसे बेटा अपने आप में ले जाए। गाते कुछ और कहते कुछ और, सुनी तुम साथ देने का चलिए। आपने अपनी तरफ से सुंदर लाइनें सुनाई, बढ़िया है, लेकिन मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन एक गीत तुम्हारे लिए दे रहा हूँ, एक धुन बजी, क्योंकि आपने सब कुछ कह दिया। आपने सब कुछ कह दिया कि ये यूं लगते हैं और वो यूं लगते हैं, और वो बैकियर ने भी कुछ कह दिया। बैकियर साहब तो हमारे महान हैं, इन्होंने